हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक फिर से नया वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लाया हूं, और जो है ईस्टमैन वोल्ट्समैन चार्जर, ई रिक्शा चार्जर। और इस पे आप लोगों को मैं एक्जूम में और आपका ये वोल्ट्समैन चार्जर में दोनों का कंपेयर करके बताऊँगा कि कौन सा चार्जर आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन है ये मैं बता देता हूं। जब क्या आप ई रिक्शा बैटरी के ग्रेविटी से, जो बैटरी की ग्रेविटी है उससे परेशान हैं? नंबर टू, क्या आपका ई रिक्शा बैटरी माइलेज कम देता है या आपकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो पाती है? क्या आप ऐसे एरिया से रहते हैं जहाँ पर लाइट की वोल्टेज की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है? तो ये सभी चीज़ों समस्या का समाधान पाने के लिए मैं आज लाया हूँ वोल्ट्समैन ई रिक्शा चार्जर, जिसमें फीचर्स में धीरे धीरे करके सभी चीज़ें आप लोगों को समक्ष बताता रहूँगा। इससे आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि क्या क्या है। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो ईस्टमैन वोल्ट्समैन चार्जर है, ये थोड़ा सा नज़दीक लाइए और मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसका क्या फीचर्स है। एक तो देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें सर, अभी तक जो मैं बता रहा हूँ, किसी ने अभी तक ई रिक्शा के चार्जर के कोई भी कंपनी जो है अभी तक 90 वोल्ट से ऑपरेटेड चार्जर नहीं बनाया है। जो ये वोल्ट्समैन चार्जर है आपका, 90 वोल्ट से ऑपरेटेड है। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर एक आप लोगों को स्मार्ट LED पैनल मिल जाएगी, जिसमें आपकी बैटरी का वोल्टेज एंड चार्जर का वोल्टेज दोनों दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरी पॉइंट, ये आपका 16 एम्पियर का बैटरी चार्जर है और यह कई मॉडलों में हमारे को पाया जाता है यहाँ पर। और इसकी जो वारंटी है वो आपकी 24 मंथ्स वारंटी है पूरी। जो कंपनी आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो यह फ्री में रिपेयर करके आपको मिलेगा। जो भी होगा, प्लेट चेंज होती है या रिपेयर करके मिलता है, वो डिपेंड बाई फॉल्ट के ऊपर होता है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताई, नॉइज कैंसलेशन इसके अंदर जब ऑन होता है तो ये सिर्फ फ़ैन की आवाज़ आएगी और किसी प्रकार की कोई आवाज़ इसमें नहीं आने को है। तो मैं दोनों चार्जरों को ओपन करके फिर आप लोगों को वीडियो को आगे दिखाता हूँ। तो इसके साथ ये भी बताऊँगा, इसके साथ कंपनी क्या क्या आपको देती है, ये चीज़ें, ये एक्जूम में और ईस्टमैन में, एक्जूम में और ईस्टमैन में क्या क्या कंपनी देती है, ठीक है। पहुँच देखिए, एक ये मैंने एक्जूम चार्जर को मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है और यहाँ का मैं आप लोगों को दिखा दूँ। दिखाइए सर, इधर देखिए, ये जो इनपुट करंट जो है एक्जूम चार्जर 170 वोल्ट 300 वोल्ट तक लेती है। मतलब कि ये देखिए, जो चालू भी हो रहा है वो 170 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है और जो हमारा वोल्ट्समैन का जो चार्जर है वो 90 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है। इसको मैं साइड करता हूँ और साथ ही साथ देखिए हमारा ये ऊपर से एक बार नज़ारा दिखाइए सर। देखिए, ये नई नेवेली दुल्हन की तरह चार्जर डब्बे में पैक है। अब इसको हम निकालते हैं और देखते हैं कंपनी क्या क्या देती है इसमें। इसको हम सबसे पहले बहुत आराम से निकाल लेंगे और देखिए, और यहाँ पर निकालने के बाद एक तो देखिए सबसे बेस्ट चीज़ कि फोम की पैकिंग में पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ये पैक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैक है, जिससे डैमेजिंग का कोई तो चांस है ही नहीं, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, पहुँच कीजिए। देखिए, मैंने इस चार्जर को अनबॉक्सिंग कर लिया है, फाइनली देखते हैं इसमें। मैंने सिर्फ इसका जो गत्ता है, गत्ते से बाहर निकाला है पन्नी से। इसके साथ कंपनी आपको एक तो पावर कोड जो चार्जिंग का प्लग है वो देती है फ्री में, और इसके साथ डब्बे को अलग कर देता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन इसका चार्जर का लुक है। और इसमें देखिए फैसिलिटी क्या क्या मिल रही है आपको। एक तो देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए, देखिए एक तो यहाँ पर 25-50% का आप लोगों को LED ब्लिंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे उसके बाद देखिए LED का ब्लिंकिंग मिल जाएगा, और यहाँ पर एक स्मार्ट स्क्रीन मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को बैटरी का वोल्टेज, ये टोटल चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए, और भी कंपेयर करें तो देखिए, इसमें कहने का मतलब है जो भी ये वोल्ट्समैन का चार्जर बन रहा है ना, इतना बेहतरीन बन रहा है ना, एक एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंटली ध्यान दिया गया है। देखिएगा, एक तो इसकी चार्जिंग कोड जो है, चार्जिंग प्लग है, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देखिए कि इसमें जो वोल्ट्समैन चार्जर में देखिए, ये जो पावर सप्लाई है, जो पावर कोड है, वो आपकी 16 एम्पियर का है लगा हुआ है। जबकि एक्जूम देखिए यहाँ पर आपका दिखा रहा है ये
5 एम्पियर 6 एम्पियर का दिखा रहा है। देखिए इससे आप लोग जजमेंट कर सकते हैं कि कौन सा चार्जर कितना बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। तो मैं बारी बारी आप लोगों को चालू करके दिखाता हूं और इसमें आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। देखिए बॉडी के ऊपर आपका लिखा है, यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट फीचर्स मैं बता रहा हूँ। एक तो ये वोल्टेज बैट जो बिजली का बिल है वो बहुत कम कर देगा। जनरली कैसे समझिएगा, ये 90 वोल्ट से ऑपरेटेड है और 300 वोल्ट तक जाएगा। और इसका देखिए इनपुट जो करंट है 6.5 एम्पियर है मैक्सिमम। मतलब कि बैटरी जितना मर्जी डाउन हो भाई साहब, ये बैटरी जितना मर्जी डाउन है 6.5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं लेगा। वहीं पे अगर एक्जूम की बात किया जाए तो देखिए एक्जूम में क्या है, देखिएगा 170 से तो ऑपरेटेड है, एक तो पहली नैया डूब गई। उसके बाद दूसरी पॉइंट इनपुट करंट 8 एम्पियर। भाई साहब जो अगर वोल्टेज नॉर्मली बात है ना, जो कम लेगा वो कम ही बिजली खींचेगा ना, और जो एम्पियर ज़्यादा लेगा वो बिजली ज़्यादा खींचेगा। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सा चार्जर आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा सर कि 170 से एक्जूम ऑपरेटेड है और हमारा बोल्ट्समैन जो चार्जर है वो हमारा कितने से ऑपरेटेड है जी, 90 से, और मैक्सिमम इनपुट जो करंट है 6.5 एम्पियर। तो ये आपका समझ लीजिए कि बिजली का भी बचत बहुत ज़्यादा करेगा, बिजली का भी बचत ज़्यादा करेगा। अब यहाँ पर मैं चार्जर को चालू करके दिखा रहा हूँ तो ये समझिएगा कि जर्नली जहाँ पर एक्जूम हमारा चार्जर 10 से 15 सेकंड में चालू होगा, वहीं ये सिर्फ मात्र 2 सेकंड में पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। यहाँ पर मैं पहले एक्जूम को चालू करके दिखा रहा हूँ और उसके बाद आगे मैं ईस्टमैन वोल्ट्समैन का चार्जर को भी चालू करके दिखाऊंगा। तो बने रहें पूरा वीडियो में, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने होती है हमारी, आपको पता ही है। यहाँ देखिए मैंने डीसी सप्लाई दे दिया है और यहाँ पर मैं एसी सप्लाई देने जा रहा हूँ। एसी मैंने ऑन किया तो देखिएगा कि यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको एक मेन से एलईडी दिखाई देगी और कुछ झिलमिलाती परसेंटेज एलईडी की ब्लिंकिंग दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिए कि इसको 8 से 10 सेकंड का समय लगता है ऑन होने के लिए पूरी तरह से। देखिए अब इसने ऑन हुआ, चार्जिंग लिया, ठीक है। अब इसका एम्पियर आप दिखाएंगे तो देखिए ये समथिंग वैसे ही जनरली कम से कम में एम्पियर, मतलब कि देखिए अभी बैटरी हमारी फुल चार्ज है। इधर दिखाइए, सिर्फ इसमें एक पैनल में आपको क्या मिलेगा, एक सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एक झिलमिलाती हुई एलईडी पैनल और कुछ नहीं। इसको छोड़ते हैं, अब हम चलते हैं अपने ईस्टमैन वोल्ट्समैन चार्जर की तरफ और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए कि यहाँ पर मैं इस चार्जर को पावर इन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डीसी कनेक्ट कर चुका हूँ और यहाँ पर एसी कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पर देखिए ऑफ है। अब इसको मैं ऑन करूँगा ना तो केवल केवल 2 सेकंड में पूरी तरह से चार्जिंग ऑपरेटेड हो जाएगी। देखिए और दिखाइए एम्पियर सर, 16 एम्पियर की तरफ चार्जिंग दिखाइए, पाउंड कर लीजिए। यहाँ पर मैं इसको चालू कर रहा हूँ तो मात्र देखिए कितना बेहतरीन एम्पियर दिखा रहा है। देखिए आपका पूरा 16 एम्पियर। और इधर दिखाइए, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट डिजिटल स्क्रीन मिल रहा है और यहाँ पर देखिए आप लोगों को साथ ही साथ स्क्रीन के साथ परसेंटेज का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और आपने देखा ना कितना कम समय में चार्जर ऑन होता है, मात्र 2 सेकंड में। अगर इस चार्जर को आपको परचेज करना है तो आप लोग अपने नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर से जाके परचेज कर सकते हैं और मेरा रिक्वायरमेंट है कि आप लोग इस चार्जर को खरीदें और चला के देखें। 90 वोल्ट से ऑपरेटेड चार्जर, जो भाई जो गाँव में बिलोंग करते हैं जहाँ 90 आपका वोल्टेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कारीगर साबित होगी है आप लोगों को, बोल्ट्समैन का चार्जर। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।